हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन नेरोबियन फोर्ट आरएफ इंजेक्शन के विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस इंजेक्शन को कौन सी कंपनी बनाती है, इस इंजेक्शन में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस इंजेक्शन के क्या डोज होते हैं, आदि विषयों पर आज की वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नॉलेज की बेस्ट वीडियो देखने के लिए। ये नेरोबियन इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को कंपनी 2 ml के एम्पूल में बनाती है। इसका मूल्य 13.57 रुपये होता है। इस इंजेक्शन को प्रोक्टर एंड गेमलर हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। इस इंजेक्शन में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है मिथाइल कोबालामिन, दूसरा कंटेंट्स है पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा कंटेंट्स है नियसिनामाइड। फ्रेंड, मेनली ये 3 कंटेंट्सों से मिलकर बना बेस्ट एनर्जी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग किया जाता है। इस नेरोबियन इंजेक्शन का उपयोग आईवी एंड आईएम अर्थात इंट्रावेनस एंड इंट्रा मस्कुलर उपयोग किया जाता है। नस में लगाकर उपयोग किया जाता है, मांस में या त्वचा में लगाकर उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकत को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, नसों के दर्द के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, साइटिका बीमारी के लिए या साइटिका के दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, साइटिक नर्व के दर्द के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, यदि पाचन संबंधित विकार है या भोजन नहीं पच रहा है, इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उसके लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, लीवर को ताकत एनर्जी देने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, वात रोग है तो उसके लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, बुखार के बाद आई वीकनेस या कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, खून को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, थकान या कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, यदि आपको चक्कर आ रहा है तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ब्रेन संबंधित विकारों के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, त्वचा संबंधित विकारों के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, यदि बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है तो बालों के झड़ने को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, पोषण की कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, यदि मुंह में छाले आ जाते हैं तो उस बीमारी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, इस इंजेक्शन का उपयोग ताकत एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के इस इंजेक्शन के बेस्ट उपयोग होते हैं। इस इंजेक्शन के क्या डोज होते हैं, इस इंजेक्शन को अपने डॉक्टर की सलाह पर दिन में एक बार उपयोग किया जाता है, इस प्रकार इस इंजेक्शन के डोज होते हैं। फ्रेंड, यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।